हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोस्तों मैं यूट्यूब से कितनी अर्निंग करता हूं, जबकि आपको पता भी है कि मेरे वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मेरी अर्निंग कितनी होती है। फ्रेंड्स, जो नए क्रिएटर्स होते हैं उनके दिमाग में अक्सर ऐसा मतलब कि दिमाग में विचार आता रहता है कि जो नए क्रिएटर्स होते हैं जिनके व्यूज नहीं आते हैं तो आखिर उनकी स्टार्टिंग में यूट्यूब से कितनी अर्निंग आती है। ओके, तो फ्रेंड्स आज उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने यूट्यूब की अर्निंग आपको बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों जब भी इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो एंड टेक्स रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा तो आप तक मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको पता नहीं है कि यूट्यूब से अर्निंग कैसे होती है तो वीडियो देखते रहिए, आपके नॉलेज के लिए फिर मैं बता देता हूँ कि यूट्यूब से अर्निंग कैसे होती है। एंड से यदि आपको पता है कि यूट्यूब से अर्निंग कैसे होती है तो दोस्तों आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप भी कर सकते। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब से अर्निंग आखिर होती कैसे है। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आप यूट्यूब पर अपना चैनल बनाते हैं, खुद का चैनल बनाते हैं एंड दोस्तों यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको करना क्या होता है, तो उसके लिए मैं संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा कि उस पर जो जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वैसे ही आपको भी वीडियो बनाना होता है। आप किसी भी टाइप के वीडियो बना सकते हैं, बशर्ते कि सेक्सुअल कंटेंट ना हो। ओके, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट अवेलेबल है, मतलब कि ऐसा कंटेंट अलाउड नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स आप किसी भी टाइप की वीडियो बना सकते हैं, गेम से रिलेटेड, कॉमेडी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड एंड दोस्तों किसी चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं तो उससे रिलेटेड, और मशीनरी के बारे में उससे रिलेटेड दोस्तों, तो मतलब किसी प्रकार के जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप वीडियो यूट्यूब पर बना सकते हैं। ओके, एंड दोस्तों आपको यूट्यूब से पैसे लेने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया ये होता है कि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए। एंड दोस्तों दूसरी चीज़ होती है, आपका चैनल 4000 घंटे चल जाना चाहिए, यानी कि आपके चैनल का जो घंटों में यदि हम कहें तो आपका चैनल कितने घंटे चला है, तो टोटल आपके चैनल को स्टार्टिंग में 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लेना चाहिए। जब दोस्तों आप दोनों क्रिटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों उसके बाद फिर आपके वीडियोज़ पर एड्स आते हैं। जैसे कि आपने मेरा वीडियो जब प्ले किया होगा तो एड्स वीडियो के स्टार्टिंग में आए होंगे। एड्स तो यदि आप वीडियो के स्टार्टिंग में एड्स नहीं आए हैं तो वीडियो के लास्ट में एड्स आएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स जो एड्स आते हैं यानी कि जो प्रचार आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, तो दोस्तों यूट्यूब उसका पैसा देती है। एड्स तो उसका पैसा आपको 100% नहीं मिलता है, तो उसका पैसा आपको केवल 55% मिलता है, यानी कि 55% आपको पैसा देती है यूट्यूब एंड 45% यानी कि 42% खुद रख लेती है। ओके, तो दोस्तों यूट्यूब से कुछ इस तरह से अर्निंग होती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको कैसे वीडियो बनाना है, कैसे यूट्यूब पर डालना है, कैसे अपना चैनल बनाना तो एंड कैसे चैनल को मोनेटाइज करते हैं, दोस्तों सब कुछ, सभी प्रकार की वीडियो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, तो सभी प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर मैं यूट्यूब से कितना कमाता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी बता दूँ कि जो मेरा चैनल है वो अभी मोनेटाइज हुआ है हाल ही में, मतलब कि लगभग 15 दिन पहले, यानी कि 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर 2021 को। ओके, तो 15 दिनों के अंदर अंदर मैंने कितनी अर्निंग की यूट्यूब से, तो दोस्तों उसके लिए मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाना हुआ। फिर दोस्तों उस मोबाइल की स्क्रीन पर जा करके मैं आपको कैलकुलेट करके आपके सामने जो मेरी अर्निंग है शो करूँगा एंड दोस्तों वहाँ पर आपको बताऊँगा कि दोस्तों मेरी यूट्यूब से कितनी अर्निंग हुई अभी 15 दिन। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एंड दोस्तों मैं जाता हूं अपने YT स्टूडियो पर, क्योंकि दोस्तों मोनेटाइजेशन के बाद YT स्टूडियो पर आपकी जो अर्निंग है जो कितनी हुई है उस तो होने लगती है। तो मैं जाता हूं अपने सिंपली YT स्टूडियो पर एंड YT स्टूडियो पर जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोस्तों जो अभी मेरी 15 दिनों की अर्निंग है तो अभी डॉलर में शो हो रही है, तो यानी कि $6.33 है। ओके, तो दोस्तों अभी हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है, यानी कि मुझे डेली का कितना रुपये पड़ता है। मैं यहाँ करता हूँ एक्सचेंज रेट पर, ऐसे दोस्तों आप भी अपने चैनल का जो है डॉलर को कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपये में। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ मैं डालता हूँ अभी डॉलर में 6.33, तो ये निकल कर आता है मेरा कुछ इस तरह से 464 रुपये, यानी 460 रुपये के लगभग लगभग मेरा भी अर्निंग आता है, ठीक है ना इतना। दोस्तों अब मैं इसे कन्वर्ट करूँगा कि डेली में कितना आता है, तो दोस्तों डेली में करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, ये आज 17 तारीख है लगभग, तो दोस्तों मैं करूँगा क्या कि 460 रुपये में भाग दूँगा 17 से, यानी कि 16 से भाग दे देता हूँ, क्योंकि 17वां दिन चल रहा है तो 16 से भाग दे देता हूँ। तो दोस्तों मेरी अर्निंग 28 से 25 से 28 रुपये के
बीच बीच में मेरी डेली की अर्निंग, यानी कि डेली मुझे 25 रुपये मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मेरी जो है मंथली अर्निंग हुई वो अभी लगभग नॉर्मल है दोस्तों, इतना तो है, सभी लोग खर्चे मुड़ा देते हैं इतने 800-900 रुपये, तो अभी मेरी अर्निंग निकल कर आती है लगभग 700-800 रुपये के आसपास, ओके, जो कि मेरी मंथली अर्निंग है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों, अपने भाई को सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।